Small and medium businessmen, especially hoteliers and restaurant owners, are suffering huge losses in Gizar district of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan as they have been facing severe lockdown for over 3 months amid COVID-19 outbreak. Owners say they have run out of the savings and they cannot pay their employees anymore. हमारे पास तकरीबन 6-7 मुलाजिम हैं, रोज़ाना के हिसाब से हम कम पेमेंट कर रहे हैं। 3.5 महीने हमारा बंद हो गया, 3.5 महीने तकरीबन 4-5 लाख रुपये तो हम सिर्फ तनख्वाह में हमारा पे कर रहे हैं उनको। अभी तक तो हमने पे किया है, लेकिन इससे आगे हमारे पास पे करने की भी गुंजाइश नहीं है। वो लोग हमारे पास पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेरोज़गार और गरीब लोग, वो कहाँ जाएंगे? हम तो वैसे भी गुजारा करेंगे, लेकिन हमारा मजदूर का मसला है। इसलिए हमें गवर्नमेंट जो है ना, हमारे कुछ माली मुआयना करें या हमें कोई ऐसी चीज दिखाए कि हम इस तरह करें। बिल्कुल मुकम्मल बंद करके लॉकडाउन करके हम बैठ नहीं सकते, ऐसे भी इसका हम ख्याल करेंगे और जो है ना सारा सिस्टम हम करेंगे, या तो हमें पैकिंग करके देने के लिए भी इजाज़त दे दे गवर्नमेंट, वो भी हमें। Gilgit Baltistan is under Pakistan's forceful occupation, where the government hardly cares about their concerns. The small businessmen in the region continue to allege discrimination by Islamabad. Pakistan jis tarah ho raha hai, is tarah hamare paas nahi ho raha hai. Hamare paas mukammal lockdown hai aur ek police ehlekar aata hai, wo bhi band kar ke chala jata hai. Gilgit mein bilkul khula hai, हिंजर में खुला है, और हमारे पास अगर गिजर में एक नया कानून बना हुआ है, मतलब मुकम्मल तौर पर जो है ना, एक पुलिस आकर बंद करके चला जाता है, दूसरा अगर फॉलो करता है, तीसरा अगर बंद कर करते हैं, तो होटल का काम है, हम इस तरह नहीं कर सकते। हम पका कर रखेंगे तो एक अगर बंद करो बोलते हैं, वो सारा हम फेंकते हैं, फिर हमें और नुकसान पड़ जाए। गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डरिंग चाइना शिनजियांग रीजन हैज रजिस्टर्ड ओवर 700 कोरोना वायरस केसेस, and the government has abruptly imposed lockdown, fearing an outbreak due to poor medical facilities.